चैनल, चलिए देखते हैं इसका पीओडीडी क्या है। प्रिंट ब्रैकेट नंबर, बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, जो उसमें ब्रैकेट्स है ना उससे हमें मतलब है, ठीक है, जो इसमें ब्रैकेट्स हैं इससे हमें मतलब है। जैसे जो यहाँ पे बस हम ब्रैकेट्स को लेंगे, ओपन ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ ब्रैकेट प्रिंट करना है कि इस ब्रैकेट का कौन सा नंबर है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट अपने वेक्टर में डाल देना है, एक आंसर वेक्टर ले लेंगे उसमें हमें वन डाल देना है। ये क्या है, ये कौन सा नंबर का ब्रैकेट है, सेकंड नंबर ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसमें डाल देंगे। ये क्या है, किसको क्लोज कर रहा है, सेकंड वाले को क्लोज कर रहा है तो इसको डाल देंगे। ये क्या है, ये किसको क्लोज कर रहा है, ये फर्स्ट वाले को क्लोज कर रहा है इसमें डाल देंगे। ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का। ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कराना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम पता कैसे चलाएंगे कि ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है, ठीक है। ओपनिंग वालों का तो काउंट ले लेंगे, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे अब, ओपनिंग वाले का तो काउंट ईजिली ले लेंगे, ठीक है। एक अप्रोच यहाँ पर देखते हैं हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो हम अप्रोच लेके चलेंगे किस तरीके से लेके चलेंगे। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक ओपन, इसको इनिशलाइज कर देते हैं ज़ीरो से, और यहाँ पर आंसर तो हमारा है ही, ठीक है। जब भी हमारा, अरे यहाँ पर दोबारा से बनाते हैं, ये ठीक है, एक ओपन हो जाएगा, ओपन इक्वल्स टू ज़ीरो और आंसर, ठीक है। जब भी हमारा ओपन ब्रैकेट एनकाउंटर होता है, हम स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे और जैसे ही हमारा ओपन ब्रैकेट एनकाउंटर होगा, मैं क्या कर दूंगा, ओपन प्लस प्लस, यानी कि अब ये ज़ीरो से हट के क्या आ जाएगा, वन, और इसमें मैं क्या करा दूंगा, वन प्रिंट करा दूंगा। फिर आया, जैसे ही ओपन ब्रैकेट आया तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टू, और इसमें क्या कर दूंगा, टू प्रिंट करा दूंगा। फिर क्लोज ब्रैकेट आया, तो अब क्लोज ब्रैकेट है तो मैं इसमें क्या प्रिंट कराऊँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें ओपन प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर फिर टू आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ओपन तो नहीं है तो फिर यहाँ टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो मुझे क्लोज ब्रैकेट का भी पता लगाना है कि वो जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो कौन से ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वन है, ये टू है, तो ये किसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस वाले का, इसका नंबर क्या था, टू। ये किसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस वाले का, इसका नंबर क्या था, वन। तो अगर आपने इससे पहले ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है तो आई होप आपने स्टैक का तो ज़रूर यूज़ किया होगा, ठीक है, स्टैक का तो ज़रूर यूज़ किया होगा। अगर मुझे पता लगाना है वो कौन से नंबर का क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा जैसी ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो मैं ओपन को क्या कर दूँगा, वन कर दूँगा, और वन इसमें डाल दूंगा कि कौन से नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है। स्टैक का मतलब क्या होता है, जैसे ये वन है, ये टू है, अब ये जो बंद हो रहा है वह टॉप वाले का बंद हो रहा है, टू वाले का बंद हो रहा है, तो स्टैक में जो टू होगा वो सबसे ऊपर होगा और उसी का बंद होगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर वन को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, यहाँ पर वन आया और वन को प्रिंट करा दिया। अब ये क्या है, ये फिर से ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है, टू को स्टैक में डालेंगे और आंसर में टू को डाल देंगे, ठीक है। ये वन हो गया, ये टू हो गया, अब ये जो है क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो कौन से नंबर का क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब ये सेकंड नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट था तो इस वाले को ये क्लोज कर रहा है। इसका पता कैसे चलेगा कि लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट मेरा कौन सा था, लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट का मेरा पता चलेगा स्टैक के टॉप से, स्टैक के टॉप में जो होगा वो मेरा क्या है, लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट। तो मैं क्या करूँगा, स्टैक से उठाऊँगा, स्टैक से क्या उठाऊँगा, टू को उठाऊँगा और इसको पॉप कर दूँगा और यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट किसका होगा, अब स्टैक से टू हटा दिया, अब क्लोजिंग ब्रैकेट होगा मेरा वन का, ओपन की वैल्यू मेरी यही रहेगी कि ओपनिंग नंबर अलग है, ये वन, ये टू, ये थ्री, उसी तरीके से ये टू, ये वन, ये थ्री, ठीक है। इसका पता मुझे स्टैक से चलेगा, ठीक है, ओपनिंग मेरे टू रहेगा, स्टैक से मुझे पता चलेगा ये क्लोज जो हो रहा है वो कौन से वाले को कर रहा है। तो पहले यहाँ टू था तो इसने किसको क्लोज किया, टू को, ठीक है। अब स्टैक के टॉप में कौन है, वन, तो ये किसको क्लोज कर रहा है, वन को, तो अब इसको क्या कर दो, वन को प्रिंट कर दो, ठीक है, वन को प्रिंट कर दिया, इसको हटा दिया। अब ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, अब ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब क्या, ओपन को इंक्रीमेंट कर देंगे
और यहाँ प्रिंट करा देंगे, और ओपन के लिए यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अभी क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है जो इस यहाँ का होगा थ्री का, तो थ्री को यहाँ प्रिंट करा देंगे, स्टैक से हटा देंगे। अब देखो 1 2 2 1 3 3, 1 2 2 1 3 3। अगर इसमें नहीं यकीन आ रहा है तो इस वाले उस पर एग्जाम्पल पर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, ओपन को तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग वाले का हमें पता लगाना था, इसलिए हमने क्या लिया, स्टैक लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ये हमारे ब्रैकेट्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ओपन वाला यहाँ रखेंगे और आंसर यहाँ रखेंगे, तो ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आया। ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब ओपन को प्लस प्लस कर दिया, वन कर दिया, वन को यहाँ डाल दिया और वन को यहाँ डाल दिया। फिर क्या आया, ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब क्या है, ओपनिंग सेकंड नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, सेकंड नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, टू को आंसर में डाल दिया। अब थर्ड नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये हो गया। अब क्या है, फोर्थ नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट है तो फोर्थ को ये किया, फोर्थ को ये किया और फोर्थ को ये किया। अब ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब ये क्लोज किसको कर रहा है, जस्ट जो ओपन हुआ था। लेटेस्ट ओपन कौन बताएगा, वो ये स्टैक बताएगा। लेटेस्ट कौन से नंबर का ब्रैकेट ओपन हुआ था, फोर्थ नंबर का ओपन हुआ था, तो फोर्थ को इसको हटाएंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट में क्या करेंगे, ओपन को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे। अब देखो 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 4 5। अब इसका ड्राई रन करके देख लेना है कुछ भी, ठीक है, अपने हिसाब से, और एग्जांपल्स पे चलाने का मन करे तो चला के देखना। यही अप्रोच है कि ओपन वाले को तो मैं पता लगा रहा हूँ कि यहाँ से, ठीक है, ओपन वाले के लिए यहाँ से पता लगा रहा हूँ। जो क्लोजिंग वाला है वो किसका पता लगा रहा हूँ, वो स्टैक से पता लगा रहा हूँ। ये उसका नॉर्मल अप्रोच है। और ज़्यादा ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस करना, ठीक है, पता चल जाएगा ओपन क्लोज ब्रैकेट करके क्वेश्चन है लीड कोड पे, GFG पे। चलो अब इसका कोड यहाँ पर डालते हैं। देखो सिंपल वही चीज़ की है, आंसर ले लिया, ओपन को ले लिया और स्टैक ले लिया, एंड ले ली लेंथ अब i=0 जब तक मेरा पूरी स्ट्रिंग को मैं ट्रैवर्स ना कर लूँ। अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट तो ओपन को प्लस प्लस करो, स्टैक में डाल दो, वेक्टर में डाल दो। अगर क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो क्या करो, क्लोज कौन सा होगा, st.top, जो उसका टॉप होगा उसको क्लोज करना और उसको आंसर में डाल देना और इसको पॉप कर देना i++, ठीक है। बस इतना सा है हमारा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आगे इस तरीके की वीडियोस डालनी है या नहीं डालनी, आपको हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए इस तरह माइंड अप करते हैं, थैंक यू।